अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर। खुसूसन मेरे को बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे, अलीम भाई बाबा सिद्दीकी के आसे बहुत अच्छा बोले आप, और खुल के बोलूँगा मैं बाबा सिद्दीकी का इंतकाल होगा मेरे भाई, सबको मालूम है कैसा लोगों को ऑफर देके मर्डर कराए बाबा सिद्दीकी का। गाड़ी में जा रहे थे, बड़ी पब्लिक में ठहर के कैसा शूट करे बाबा सिद्दीकी को लोगों को मालूम हो चुका है मेरे भाई। तो बाबा सिद्दीकी ऐसे शख्सियत थे भाई, छोटे से लेके बड़े तक, हिंदू से लेके मुसलमानों तक, हर गरीब के दरमियान में रहते थे, हर किसी की हेल्प करते थे। आज उनको कौन नहीं जानता बाबा सिद्दीकी को, आज वर्ल्ड पूरा जान रहा बाबा सिद्दीकी को। तो देखिए आप, बाबा सिद्दीकी को 2 करोड़ के टटुओं को एक ऑफर देके बाबा सिद्दीकी को मारे, आप देख सकते मारने वाला, ऑफर देने वाला वो विष्णु है, आप सबको मालूम है मेरे भाई। तो ऐसे विष्णु को बम्बई की पुलिस चाहिए कि उसको चौरस्ते पर रख के उसको शूट कर देना। आज बाबा सिद्दीकी को मारा उन्हें, अगर कल वकील को मारता तो शहर हिल जाता था, अगर डॉक्टर को मारता तो शहर हिल जाता था, अगर एक पुलिस वाले को मारता तो शहर हिल जाता था। आज बहुत अफसोस की बात है, बाबा सिद्दीकी ये दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको उनके घर वालों को सब्र दे, बाबा सिद्दीकी साहब को जन्नत नसीब हो। आज हमारे को बहुत दुख दिख रहा, अगर उनकी वीडियो भी देखते तो हमारे आँखों में आंसू आते हैं। तो बॉलीवुड के जितने भी हीरो हैं सब घरों में बैठ के चुड़िया पहन के घर में बैठ गए, चाहे वो सलमान खान रहें दो, चाहे आमिर खान रहें दो, क्या शाहरुख खान रहें दो, चाहे जितने भी हीरो रहें दो, सब चुड़िया पहन के बैठे घर में। अगर बाबा सिद्दीकी के वास्ते अगर सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो हमारी भी जान जा सकती, बोल के पूरे हीरोआ बैठे हुए घर में तालियां मार लेते बैठे हुए घर में। ये सिर्फ हीरोआ फिल्मों में फाइटिंग अच्छी दिखती, खाली फाइटिंग अच्छी दिखती, TRP कमाते, यहाँ से पैसे लूटते, सिर्फ वाहवागिरी करते लोग। ऐसे हीरोओं को बायकॉट करो मेरे भाई। आज हम मुसलमान हैं, सर पे टोपी पहने हुए एक मुसलमान भाई मर गया, अगर यही भाई अगर हिंदू मर जाता था बाबा सिद्दीकी से हटके, अगर हिंदू मर जाता तो पूरा बम्बई हिल जाता था। बाबा सिद्दीकी साहब ऐसे ऐसे कामा करे, कई बेवाओं के घर के राशन दलाते थे, चाहे हिंदू रहें दो मुसलमान रहें दो, सुने भाई। तो बॉलीवुड के जितने भी हीरो हैं सबको चुड़िया पिना के घर में बिठा देना या मुजरा करा देना। आज देखिए आप, आज क्या हुआ, आज भी बाबा सिद्दीकी को याद कर रही। मैं बम्बई कमिश्नर पुलिस से कहना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर सक्सेसफुल कार्रवाई करके जो भी ये ऑफर दिया वो विष्णु, उसको चौरस्ते पर रख के गोली मार के उड़ा दो, किस्सा ख़त्म। आज इनको मारा, आने वाले दिनों में उन्हें सलमान खान को बनाएगा टारगेट, मुनव्वर फारूकी को बनाएगा, या पुलिस को बनाएगा, या वकील को बनाएगा, या डॉक्टर को बनाएगा, सुने। और संजय दत्त बाबा तुम बहुत बड़ा डॉन बोल देना, संजू बाबा तुम कहाँ हैं, संजय दत्त बाबा कहाँ पर है आप, पठानी पहनने से कुर्ता पैजा पहनने से पठान नहीं बनते आप, मर्द बोलते जो शेर से जो हमला करे। तो चाहिए था संजय बाबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा सिद्दीकी के बारे में कुछ बोलना था, अब ऐसा दिख रहा संजय दत्त बाबा भी घर में बढ़ गए ऐसा दिख रहा, वो पठानी कुर्ता पैजा पहन के घर में बढ़ जाओ। तो आज देखो मेरे भाई मुसलमानों को ऐसा टारगेट करके कैसा मार रहे लोगों को, देखो मेरे भाई। आप लोग जागो, बम्बई के जितने भी लोग हैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया हिला दो, मजबूर कर दो, सोशल मीडिया पूरी हिला दो। खाली बाबा सिद्दीकी की माता में आए शाहरुख खान सलमान खान तकरीबन पूरे हीरो आए, खाली आंसू बहा के चले गए। आज बाबा सिद्दीकी को कौन याद कर रहा, क्या बाबा सिद्दीकी के बारे में बोले तो क्या आपकी जान को हमला हो जाता बोल के डर रहे। मौत एक होत आती मेरे भाई, मौत एक होत आती, अल्लाह अगर चाहे तो 5 मिनट में इंसान मर सकता, मिनटों में जान जा सकती, मगर बहुत अफसोस की बात है हमारे बॉलीवुड के हीरो तालियां मार के घर में बढ़ गए। क्यों, अगर बाबा सिद्दीकी के बारे में हम बोलेंगे तो हमारे को भी उन्हें विष्णु मारने की धमकी दे देंगे, अरे उन्हें दे देंगे एक ऑफर दिला देंगे। मर्द किसको बोलते, जो फेस टू फेस लड़ता उसको मर्द बोलते, ऐसा ऑफर दे के मारने लगा रहा तो ये ऐसा नहीं बोलते। हर किसी की एक जान रहती, जान इतनी कीमत हो गई कि 150,000 रुपये की, अरे लिख लो मेरे भाई, निकल के सोशल मीडिया हिलाओ, पूरा वर्ल्ड हिलाओ। सलमान खान की कितनी फॉलोइंग है, संजय दत्त की है, शाहरुख खान की है, अगर पूरा हिलाए ना मजबूरन ले जाके उसको शूट कर देते, हुकूमत खुद ले जाके शूट कर देती या फांसी पे चढ़ा देती। सुधरो मेरे भाई, एक कलमा पढ़ने वाला है, कोई मज़हब नहीं सिखाता, चाहे हिंदू को बोलो या मुसलमान को बोलो, सब मिलके एक होके इन लोगों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाना मेरे भाई। बाबा सिद्दीकी साहब के हक़ में दुआ करिए, उनके घर वालों को भी सब्र दीजिए, और बाबा सिद्दीकी साहब के बेटे के लिए आप लोग दुआ करिए मेरे भाई। बाप तो चलेगा, बेटा है बेटे, सुने याद रखो मेरे बेटे, मारे तुम लोग बहुत गलत करे,
अल्लाह इसका बदला लेगा। हमारे कानून के ऊपर भरोसा है और बम्बई पुलिस के ऊपर भरोसा है। मिशनरी को लेके आके चौरस्ते पे इंकाउंटर कर दो, उसको ख़त्म हो जाती बात। आज बम्बई में इतना खौफ उठ हो चुका है विष्णु का, पूछो न को, हर कोई सोशल मीडिया पे बोलने डर रहे विष्णु, डरो न को मेरे भाई, मौत देखो दाती। सुने, हमारे हैदराबाद में 12 साल का बच्चा मार सकता 55 साल के आदमी को, उतनी ताकत रखता हमारे कने, मगर बम्बई में भी एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, पर कई को कच्चे बड़े, मेरे को तो नहीं मालूम। सिर्फ मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करूँगा। सुने भाई, उनके घर वालों के से दुआ करिए, उनके बच्चे के से दुआ करिए, बाबा सिद्दीकी के से, उनके घर वालों से आप दुआ करिए। मेरी ये गुजारिश है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मैं खाजा अली मदनी सोशल वर्कर।